हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं PT 365, जो कि हमारे वीज़ा नाइज़ की है। तो इसमें हम लोग रिवीजन कर रहे हैं मार्च से लेकर मई तक के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज हम लोग अपने इकोनॉमी का लेसन यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जितना टाइम लगता है वो इकोनॉमी के लेसन में ही लगता है। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हो जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ज़रूर अपने हाथ में रखिए। जिस किसी के भी इकोनॉमिक अच्छे है ना, तो आप लोग ये समझ के चलिए कि आप लोग का एग्ज़ाम में एज एक मिलता है, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी बच्चे इसको समझने में ही लैक कर देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं, कुछ टॉपिक हम लोग यहाँ पे कंप्लीट किए थे, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और प्रीवियस लेसन देखने के लिए बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग डिफरेंट मंथ के लेसन यहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि कुछ मेजर्स देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज हम लोग रिविजन कर रहे थे, तो जो भी यहाँ पे मेजर्स लिया गया है बिज़नेस के लिए, और इसमें MSME भी इंक्लूड है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, तो इसके बारे में देखने वाले हैं। इस पैकेज में आप देखोगे कि लिक्विडिटी को इंक्रीज़ करने का कोशिश किया गया है बिजनेसेस में, और कुछ मेजर्स लिया गया है। तो लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज़ होगा, कोलैटरल फ्री लोन देने की बात की गई है, यानी कि आप लोग को अब कोलैटरल देने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को लोन लेना है तो आप लोग आराम से बैंकों से आकर लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स अनाउंस किया गया है। तो सबसे पहले EPF के बेसिस में देखते हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता है। तो EPF कंट्रीब्यूशंस अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है बिजनेसेस और वर्कर्स के लिए 3 मंथ के लिए, ठीक है, 3 मंथ के लिए यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो जो इसका एम है इस स्कीम का, वो ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, यानी कि अभी आप लोग देख रहे हो COVID-19 का टाइम है, लॉकडाउन हो गया है, सारे लोगों के पास जो है पैसे की कमी हो गई है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है, और अगर जॉब है भी तो उनकी सैलरी कट हो गई है। बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जिनको लकी लोग कहा जा रहा है कि वो लोग की सैलरी और उन लोग की जॉब भी बची हुई है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि बिज़नेस सब बहुत ज़्यादा घाटे में हो चुका है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड हो या फिर आपकी डोमेस्टिक ट्रेड हो, कहीं ना कहीं वो ठप हो गया, इंटरप्ट हो गया, जिसके वजह से बिजनेसेस भी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम में हो गई, और जो वर्कर्स है उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गया। तो यही सारे वर्कर्स और बिजनेसेस के पास पैसे हो, तो इसीलिए यहाँ पे EPF जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता था उसको कम कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पहले क्या था कि 12% EPF काटा जाता था, यानी कि टोटल इनकम जितना है ना उससे कि 12% यहाँ पे EPF कट कर लिया जाता था, लेकिन अब ये 12% नहीं 10% कट किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोगों को हाथ में जो इनकम है वो ज़्यादा मिलेगा, 2% ज़्यादा इनकम मिलेगा, लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, तभी लोग खर्च करेंगे और तभी लोगों का यहाँ पे जो भी ज़रूरत है वो पूरा हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे CPSE और जो स्टेट की PCOs हैं वो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि 12% वो अपने एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस को वो यहाँ पे देंगे, यानी कि उनका जो EPF होगा वो यहाँ पे नहीं काटा गया है। सेंट्रल पब्लिक यहाँ पे आपका सेक्टर इंटरप्राइजेस और स्टेट का भी जो भी PSUs है उनके यहाँ पे जो है EPF आपका 12% ही है। तो एक्सेप्शंस यहाँ पे है, तो एक्सेप्शंस जरूर समझ के चलिए, याद करके चलिए, क्योंकि UPSC ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनाते हैं वो एक्सेप्शंस पे ही बनाते हैं। आप देख लेते कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म और अनेबलर यहाँ पे आपका अनाउंस किया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला जाता है, और लगातार आप 2014 से देखोगे तो हमारी जो यहाँ पे रैंकिंग है वो इंक्रीज़ ही होती जा रही है, यानी कि पोजीशन बहुत अच्छी होती जा रही है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में टोटल 10 इंडिकेटर है, उसी में से इस तरीके का माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है हमारे कंट्री में कि बिज़नेस आप लोग आराम से कर सको, ठीक है। तो इसके अंदर सब सेक्टर देखते हैं और कुछ स्पेसिफिक रिफॉर्म्स और अनेबलर्स देखते हैं। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे गवर्नेंस को जो है रिफॉर्म किया जा रहा है, गवर्नमेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं मिशन मोड में, और नेक्स्ट फेज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके नेक्स्ट फेज़ में जो है गवर्नमेंट के यहाँ द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसमें क्या क्या काम किया जाएगा कि जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है उसको ईजी करना है, कि आराम तरीके से जो है ना प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो सके, फास्टर डिस्पोजल हो, जो भी यहाँ पे डिस्प्यूट हो उसको जल्दी से जल्दी जो है ख़त्म करना है, साथ ही सिंपलर टैक्स रिजीम हो, क्योंकि हमारे यहाँ आप लोग को देखने को मिलेगा कि इनकम टैक्स के अधीन बहुत सारे टैक्स है, तो GST को इम्प्लीमेंट किया गया है जिससे कि वन नेशन वन टैक्स का यहाँ पे जो एम है वो पूरा हो सके, तो ये भी धीरे धीरे ही पूरा होगा, तो इसलिए यहाँ पे टैक्स रिजीम को और ज़्यादा सिंपल बनाना है। तो ये 3 काम किया जा रहा है जिससे कि हमारे गवर्नेंस सेक्टर में रिफॉर्म किया जाएगा। सेकेंड है कि कॉर्पोरेट लॉ मेजर्स लिया जा रहा है, तो ये क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो डीक्रिमिनलाइजेशन है हमारे कंपनी लॉ का, और ये डिफ़ॉल्ट था 2018 में, तो 16 यहाँ पे कंपाउंडेबल ऑफेंसेज हैं, जैसे कि आप देखोगे कि CSR रिपोर्टिंग में कमी देखने को मिला, बोर्ड रिपोर्टिंग में यहाँ पे कमी देखने को मिला, डिफ़ॉल्ट को फिल किया गया है, साथ ही डिले देखने को मिला, जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसमें यहाँ पे डिले हो गया, तो ये सारी चीज़ें को जो है अभी डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। तो कॉर्पोरेट लॉ मेजर्स भी यहाँ पे लिया गया है, यानी कि कंपनी के लॉ को
कंपनी लॉ के तहत आप लोग देखोगे कि जो क्रिमिनल सेक्टर्स में यहाँ पे चीज़ें रखी गई थी वो सारी चीज़ों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। सेकंड है कि यहाँ पे मेजर्स लिया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जो कि 2016 में हमारे कंट्री में लाया गया था। तो अभी क्या बात किया जा रहा है कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसमें कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेसिंग यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, तो पहले 1 करोड़ था, ठीक है, यानी कि 1 लाख से, जो कि इनडायरेक्टली आपको देखोगे कि एमएसएमई भी यहाँ पे था। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो गया कि इसको रेज कर दिया गया है 1 करोड़ का। स्पेशल इंसॉल्वेंसी जो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क है वो एमएसएमई के लिए यहाँ पे है। साथ ही साथ जो डिस्ट्रेस यहाँ पे क्रिएट हुआ है कोविड-19 को देखते हुए, तो अब क्या है कि इनिशियल जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग है वो 1 साल का यहाँ पे लिया जाएगा, और 1 साल का जो है ना ये यहाँ पे आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। डिपेंड करेगा कि पैंडेमिक सिचुएशन में किस तरीके से जो है यहाँ पे चला है। तो पैंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज़ को घाटा हुआ है, एमएसएमई सेक्टर को घाटा हुआ है, तो इसलिए इंसॉल्वेंट होना यानी कि दिवाला निकल जाना। इंसॉल्वेंट और बैंकरप्सी में डिफरेंट क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, मान लीजिए ए नाम की कंपनी है, अगर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ह्यूज डेट हो गया, इतने ज़्यादा कर्जे में चल रहा है ये कंपनी कि अपने कर्जे को ये पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए ये मुनाफा इस कंपनी को नहीं मिल पा रहा, यानी कि इस तरीके से कंपनी की बिज़नेस ऐसी नहीं चल पा रही है कि इसको प्रॉफिट हो रहा है और घाटे लगातार घाटे में चल रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस तरीके की कंपनी को इंसॉल्वेंट कह दिया जाता है। सेकेंड चीज़ है कि बैंकरप्ट तभी होता है, यानी कि ए कंपनी अगर बैंकरप्ट हो जाए तो कब हो जाए, जब इसके मालिक ये डिक्लेयर कर दे कि अब उनके पास इतना पैसा नहीं है, अब उनके पास ऐसा नहीं रह गया कि वो इस कंपनी के जो डेट है वो उसको चुका सके। तो जब कंपनी के जो ओनर होते हैं, सीईओ होते हैं, अगर वो ये डिक्लेयर करते कि उनकी कंपनी डूब चुकी है, अब उनके पास इस तरीके का पैसा नहीं है कि वो इस कंपनी के कर्ज को भर सके, तब इसको जो है हम लोग बैंकरप्ट कहते हैं। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस यानी कि जब रेटिंग वगैरह दिया जाता है, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हैं तो वो कंपनी को रेटिंग देते हैं उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की तरफ से ये समझ में आता है कि ए नाम की कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ह्यूज डेट में चल रहा है, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर इस कंपनी का नाम दे देते हैं। इसके तहत क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी पे काम किया जाता है, तो उस बेसिस पे जो है ना ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की जो प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो भी कंपनी घाटे में रहती है तो उसको वहाँ पे कर्ज से उभारने का काम करते हैं। तो घाटे में कितना है, अगर कोई कंपनी यहाँ पे 1 करोड़ तक का घाटा जा रहा है तो मिनिमम ये थ्रेशोल्ड है, यानी कि मिनिमम अगर किसी कंपनी का यहाँ पे 1 करोड़ तक का घाटा हो गया तो फिर उस कंपनी को यहाँ पे ले लिया जाता है और उसके जो कर्जे होते हैं उसको यहाँ पे रिजॉल्व करने का कोशिश किया जाता है, और उसके जो यहाँ पे जो भी बैक लूप होल्स होते हैं उसको यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि 1 ईयर का ये काम जो है सस्पेंड कर दिया गया है, अभी ये कोविड-19 को देखते हुए नया चेंज और नया रिफॉर्म्स ये किया गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे इसको इम्पावर किया गया कि कोविड-19 से रिलेटेड जो डेट है ना वो इसको एक्सक्लूड कर दे, यानी कि कोविड-19 से जो यहाँ पे घाटा हुआ है इस तरीके का मार्च से रिलेटेड, तो उसको यहाँ पे हटा देना है, ठीक है। तो 2 तरीके का यहाँ पे बात आप लोग को याद रखना है। कुछ और मेजर्स देख लेते हैं क्या क्या लिया जा रहा है। तो जो डायरेक्ट लिस्टिंग है सिक्योरिटीज़ का, वो भी इंडियन पब्लिक कंपनीज़ के द्वारा, तो पहले क्या था कि फॉरेन ज्यूरिसडिक्शंस के लिए ये परमिसेबल था। वहीं अगर प्राइवेट कंपनीज़ के लिए देखें जिसको कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर में यहाँ पे लिस्ट किया गया है स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो अब क्या होगा कि उसको लिस्टेड कंपनी जैसा हम लोग रिगार्ड नहीं करेंगे। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है एक आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि आपका एक फिक्स टेन्योर देखने को मिलेगा कि ये 4 साल के लिए आप लोगे या फिर 5 साल के लिए लोगे, जिसमें कि लोग इन्वेस्ट करते हैं। मान लो कि आप 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा कि रेगुलर आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा एक सर्टेन रेट में। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने 4 साल के लिए इस बॉन्ड को आपने लिया और यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको 6% से यहाँ पे आपका रेगुलर जो है ना एक सर्टेन रेट में यहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। तो ये एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका कन्वर्ट नहीं होता है। तो जो भी प्राइवेट कंपनीज जिसको कि लिस्ट किया गया है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर में, तो अब क्या है कि उसको यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज जैसा जो है रिगार्ड नहीं किया जाएगा। लिस्टेड कंपनीज में जो भी यहाँ पे कंपनी आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि उनको बहुत सारे नॉर्म से गुजरना होता है। सबसे पहले तो उनको सरकार का जितना भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि घाटे में चल रहे हैं, वो भी कोविड-19 के टाइम में, तो इसलिए उनको इस तरीके का छूट दिया गया है। और प्राइवेट कंपनी को खास करके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, इशू फेस करते हैं इस तरीके से लिस्टेड कंपनीज में आकर, ठीक है। तो ये सारी देख लिए, अब देखते हैं एक्सक्लूसिवली कि एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या क्या किया गया है। तो एमएसएमई सेक्टर्स के लिए सबसे पहले आप देखोगे कि इसका डेफिनेशन ही चेंज कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे आप लोग देखोगे कि सबऑर्डिनेट डेट है वो भी स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि क्या रखा गया कि इस स्कीम का एम है कि यहाँ पे जितने भी एमएसएमई है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से यहाँ पे फेस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये चल रहे हैं, जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब है कि ऐसा उनका एसेट है जो कि अब परफॉर्म नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे आप देखोगे
कि एमएसएमई सेक्टर्स के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा लोन लिया जाता है, और ये एमएसएमई जहाँ से लोन लेते हैं इनके लिए एक अलग से जो है मुद्रा बैंक यहाँ पे आपका बनाया गया था सरकार के द्वारा। तो मुद्रा बैंक की तरफ से जो वो ये लोन लेते हैं ना, ये लोन यहाँ पे क्या हो गया, तो वो यहाँ पे एनपीए होते जा रहा है। इस स्कीम के अंदर क्या है कि एमएसएमई को प्रमोट करना है, और प्रमोट करने क्या कैसे किया जाएगा, तो उनको बैंकों के द्वारा डेट दिया जाएगा जो कि फिर एमएसएमई में एज ए इक्विटी उनको इन्फ्यूज़ कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट भी यहाँ पे फैसिलिटेट की है, 20,000 करोड़ जो है वो सबऑर्डिनेट डेट दिया जाएगा, वो भी एमएसएमई को। तो सबऑर्डिनेट डेट क्या होता है पहले ये समझने का कोशिश कीजिए। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी इंटिटी का, तो इसको ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में जो है ना ये आपका डिवाइड किया जाता है। अगर हम लोग इंटिटी के लिक्विडेशन में देखें तो सबऑर्डिनेट जो डेट होता है ना, ये एक तरीके का लोन है जो कि आपके सारे कॉर्पोरेट डेट, यानी कि आफ्टरऑल जो अदर कॉर्पोरेट डेट है या फिर लोन है जो कि रिपेड होता है, तो उसके बाद यहाँ पे जो है सबऑर्डिनेट डेट को ये आपका पेमेंट करना होता है, ठीक है, रिपे करना होता है। जैसे कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे क्या है कि ये एप्लीकेशन ऑफ जो है एक सेकेंड लोन्स लॉसेज है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ लॉसेज है। तो क्या क्या है, पहले इक्विडिटी आया, फिर हाइब्रिड है, फिर सबऑर्डिनेट डेट है, फिर सीनियर डेट है, फिर सीनियर सिक्योर डेट है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो कॉर्पोरेट डेट जितना होता है, तो कॉर्पोरेट डेट को यहाँ पर रीपेमेंट करने के बाद, और जितने तरीके का लोन होता है उसको रीपेमेंट करने के बाद जो है ना सबऑर्डिनेट डेट को यहाँ पर रीपेमेंट करना होता है। यानी कि सबसे लास्ट में यहाँ पर आप लोग देखोगे कि सबऑर्डिनेट डेट को जो है वो रीपे कर सकते हैं। बहुत लंबा समय यहाँ पर एमएसएमई सेक्टर्स को दिया जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 20,000 करोड़ जो है एज अ सबऑर्डिनेट यहाँ पर दिया गया है। इसका पर्पस यही है कि यहाँ पर 4,000 करोड़ जो है वो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड के लिए है, वो भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट क्या होता है, यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड कैसा होता है, ये एक तरीके का आप देखोगे कि इसमें सरकार इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्रेडिट गारंटी यहाँ पे सपोर्ट दिया जाता है बैंकों से एमएसएमई को। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी लोन ले रही है, यानी कि सरकार एमएसएमई सेक्टर्स की तरफ से यहाँ पे जो भी यहाँ पे लोन लिया जा रहा है, और एक सर्टेन टाइम के बाद जब रीपेमेंट करना होता है, तो अगर वो एमएसएमई का ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है और वो इस कंडीशन में नहीं है वो इंटरप्राइसेस की वो अपना लोन को वापस से चुकता कर सके, तो उस जगह पर गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि उनके लोन को गवर्नमेंट के द्वारा वो जमा कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा रीपेमेंट कर दिया जाएगा, जिसको क्रेडिट गारंटी जो है ये कहा जाता है, ठीक है। क्रेडिट गारंटी आपका लोन होता है, तो ये एक तरीके का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है जिसमें कि 4,000 करोड़ रखा गया है, वो भी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, जिससे कि उनको और ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद आप लोग देखो कि यहाँ पे CGTMSE है, तो गवर्नमेंट के द्वारा एक क्रेडिट गारंटी स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, जिससे कि जो क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम है वो यहाँ पे स्ट्रेंथेंड हो। एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको लोन प्रोवाइड करे, क्योंकि इस तरीके के कोविड सेक्टर्स में उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और एमएसएमई का लॉस होना यानी कि हमारे कंट्री का जो है बहुत ज़्यादा लॉस होना, क्योंकि एमएसएमई में आप देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो 40% तक देखने को मिलेगा, हमारे जीडीपी में जो है वो यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा योगदान आपको देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी 30% तक कंट्रीब्यूशंस होता है, तो एक लार्ज चीज़ें जो है यहाँ पे कवर किया जाता है एमएसएमई के द्वारा, इसलिए सरकार के द्वारा एमएसएमई सेक्टर्स पे बहुत अलग से फोकस किया जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इक्विटी इन्फ्यूजन हो रहा है, और वो भी फंड ऑफ फंड के थ्रू। तो ये स्कीम है, इसमें क्या है कि एक फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा, और इसमें टोटल कितना कॉर्पस रखा गया, तो 10,000 करोड़ तक का रखा गया है, वो भी लॉन्ग टर्म इक्विटी इन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ऑपरेशन मैकेनिज्म कैसे, यानी कि कैसे ये काम करेगा। तो फंड ऑफ फंड जो है ना, ये आपका मदर फंड के द्वारा और कुछ जो डॉटर फंड है उसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। तो फंड ऑफ फंड में आप देख सकते हो कि एक मदर फंड होता है, उसके 3 यहाँ पे डॉटर है, तो छोटे छोटे जो यहाँ पे फंड क्राइटेरिया है उसी के द्वारा यहाँ पे फंड किया जाता है। ये जो फंड स्ट्रक्चर है, इससे क्या होगा कि 50,000 जो करोड़ ऑफ फंड है ना, वो यहाँ पे डॉटर फंड लेवल पे यहाँ पे आपका ट्रांसफर की जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे आप देखो कि 10,000 करोड़ यहाँ पे रखा गया है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे 10,000 करोड़ का आपका तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे डॉटर वन को यहाँ पे 4,000 करोड़ है, डॉटर टू को यहाँ पे 3,000 करोड़ है, और डॉटर थर्ड को यहाँ पे 3,000 करोड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वही काम यहाँ पे भी किया जा रहा है। इस स्कीम से क्या होगा कि एमएसएमई की जो साइज है ना और जो कैपेसिटी है वो एक्सपेंड होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा, और फर्दर इससे क्या होगा कि एमएसएमई को इंक्रीज़ किया जाएगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जो है लिस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सारा काम करने के लिए, यानी कि फंड का यहाँ पे क्रंचेस होता है एमएसएमई के अंदर,
तो एमएसएमई को फंड की बहुत ज़्यादा क्रंचेस होती है, तो इसीलिए सबसे पहला काम करना है कि या तो एमएसएमई के पास जो है लोन के द्वारा उनको फंड प्रोवाइड कर दिया जाए, या फिर किसी तरीके से जो है ना उनको पैसे की कमी ना हो, क्योंकि पैसे की कमी होगी तो ये फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, फंक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए एमएसएमई पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब रिवाइज डिफिनेशन देख लेते कि नए तरीके से यहाँ पर क्या डिफिनेशन यहाँ पर रखा गया, पहले क्या था अब क्या था, प्लीज़ प्यार ध्यान से इसको देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले क्या एग्जिस्टिंग आज के डेट में क्या था, तो सबसे पहले अलग अलग था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस में अलग अलग जो है देखा जाता था कि माइक्रो का कितना इन्वेस्टमेंट है और कितना यहाँ पे स्मॉल का कितना इन्वेस्टमेंट है, मीडियम इंटरप्राइजेस का कितना इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में अगर माइक्रो का आप देखोगे तो ये लेस देन 25 लाख है, और वहीं पर अगर हम लोग सर्विस सेक्टर में बात करें तो ये लेस देन 10 लाख होना चाहिए। साथ ही अगर स्मॉल इंटरप्राइजेस का देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट लेस देन यहाँ पे 5 करोड़ है, और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है सर्विस सेक्टर्स में वो यहाँ पे 2 करोड़ से कम होना चाहिए। मीडियम इंटरप्राइजेस में देखें तो जो इन्वेस्टमेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वो यहाँ पर 10 करोड़ से कम है, वहीं अगर इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग सर्विस सेक्टर्स में देखें तो यहाँ पर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहला चीज़ कि जो मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस इंटरप्राइजेस है उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। जोड़ कर यहाँ पे सिर्फ एक ही बार देखा जाएगा कि माइक्रो इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 1 करोड़ से कम हो और टोटल टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ से कम हो। स्मॉल इंटरप्राइजेस वो इंटरप्राइजेस होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 10 करोड़ से कम हो और टोटल टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ से कम हो। वहीं अगर मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो वो इंटरप्राइजेस होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 50 करोड़ से कम हो और टर्नओवर वो 250 करोड़ से कम हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, ओके। अब देख लेते हैं जनरल पॉलिसी जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक पैकेज के लिए अनाउंस किया गया है, इसी का पार्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने का बात किया जा रहा है, इनके बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे रेवेन्यू यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बना वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का भी नहीं बना। तो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दिया जाएगा, यानी कि रेवेन्यू को यहाँ पे जो कमी है उसको पूरा करने के लिए ग्रांट दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही साथ टैक्सेस जो यहाँ पे है उसको डिवेल्यूएट किया जाएगा, एडवांस रिलीज़ किया जाएगा SDRF के लिए, और अमाउंट भी यहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा जो कि यहाँ पे डायरेक्ट एंटी COVID-19 एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे रिलेटेड होगा। बोरोविंग लिमिट को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया, जैसे कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बोरो करते हैं तो यहाँ पे लिमिट बढ़ गया है, वो भी 5% तक, जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, और ये 3% पहले था लेकिन इसको अभी 5% तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही अनकंडीशनल इंक्रीज़ किया गया है, यानी कि 3.5% जो GSTP है उसको यहाँ पे आपका अनकंडीशनल बढ़ाया गया है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड है उसके लिए यहाँ पे लिंक किया गया है, और 0.25% भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, तो ये चीज़ें याद रखना है। साथ ही अगर हम लोग कंडीशन ट्रांसफ़र की बात करें तो सबसे पहला यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं, यानी कि ऐसे राशन कार्ड बनाना है कि जैसे कि आप लोग इंडिया में कहीं भी चले जाओ 28 स्टेट या 8 यूनियन टेरिटरीज़ में, तो बस एक राशन कार्ड से जो है पूरे इंडिया में आपको PDS के थ्रू फेयर जो प्राइस शॉप है उससे आपको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आधार सीडिंग है, सारे राशन कार्ड को आधार कार्ड से यहाँ पे जोड़ा जाएगा और इंस्टॉल किया जाएगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन, वो भी सारे फेयर शॉप में। तो पॉइंट ऑफ सेल मशीन को इंस्टॉल करने से क्या होगा, जैसे कि आधार कार्ड है और इस कार्ड को अगर पॉइंट ऑफ सेल मशीन में आप लगाओगे तो आपकी यहाँ पे आइडेंटिफाई होगी कि ठीक है आप यहाँ पे PDS के थ्रू जो है फूड ग्रेन्स लेने के लिए एलिजिबल हो। तो इसको सारे ये एक ऑनलाइन है जिसको कि यहाँ पे आपका इस मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा सारे फेयर शॉप में। सेकेंड है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या करना है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट किया जाएगा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो भी यहाँ पे DPIIT नॉर्म्स के द्वारा। ऑटोमेटिक रिनेबल किया जाएगा स्टेट इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लाइसेंस को भी यहाँ पे बिजनेस के लिए, फुल ट्रांसपेरेंसी का यहाँ पे काम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि पावर सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो जो ATC लॉस था, यानी कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पे कम किया जाएगा। एवरेज जो रेवेन्यू रियलाइज्ड कैप है उसको भी यहाँ पे कम किया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखें तो अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या करना है, तो नोटिफिकेशन होगा, यानी कि प्राइवेट टैक्स फ्लोर रेट्स का जो है यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन दिया जाएगा, साथ ही साथ सर्किल प्रॉपर्टी रेट्स के साथ, और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर और जो सीवरेज चार्जेस है उसको भी नोटिफाई किया जाएगा। तो ये सारे कुछ कंडीशनल ट्रांसफ़र है जो कि यहाँ पे देखना है। टैक्सेस मेजर भी यहाँ पे अनाउंस किया गया है जिससे कि लिक्विडिटी सिचुएशन को और ज़्यादा ईज़ किया जाए। तो टैक्स डिडक्शन अगर हम लोग देखें जो सोर्स में होता है, ये आपका रेट रिड्यूस किया गया है। इससे क्या होगा कि इसका एम है कि लिक्विडिटी इन्हेंस करना, इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है लोगों के हाथ में पैसा जाना चाहिए, ये यहाँ पे काम होगा। TDS और TCS क्या है इसके बारे में देख लीजिए, टैक्स डिडक्शन सिस्टम है यहाँ पे,
यानी कि जो भी यहाँ पे टैक्स पेयर अगर टैक्स पे करते हैं ना तो उनको कुछ डिडक्शन दिया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं अगर TCS की बात करें तो ये टैक्स कलेक्टेड बाय पेई है या फिर रिसीवर है। मान लीजिए कि एक ज्वेलर है जो कि अपनी ज्वेलरी को बेच रहे हैं, तो वो यहाँ पर TCS जो है वो कलेक्ट करेंगे और फिर इसको जो है IT डिपार्टमेंट को वो पे करेंगे। यानी कि अगर मैं ज्वेलरी खरीद रही हूँ तो मुझे TCS देना होगा और इसके TCS दूंगी तो ये दुकानदार को मिलेगा और दुकानदार जो है यहाँ पर IT डिपार्टमेंट को वो इसको पे करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होता है TCS। तो TDS और TCS के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए। कुछ और पॉलिसी मेजर्स देख लेते हैं। तो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज पॉलिसी है, वो भी न्यू और सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए। तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे एक न्यू पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें कि इस लिस्ट ऑफ आपका स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है जिसको यहाँ पे PSC की ज़रूरत है और वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में, जिसको कि नोटिफाई किया जाएगा। स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स अगर देखें तो एटलीस्ट एक PSC है जो कि अभी भी आपका पब्लिक सेक्टर में रहेगा, बट प्राइवेट सेक्टर्स जो है इसको अलाउ किया गया है। अगर हम लोग पॉलिसी रिफॉर्म देखें कि फास्ट ट्रैक जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, तो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वो भी यहाँ पे प्रोजेक्ट को दिया जाएगा। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर है जिनके द्वारा यहाँ पे 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाया जाएगा, वो भी क्विक रिस्पांस टीम के लिए, और जल्दी से जल्दी जो कोरोना वायरस आउटब्रेक है उसके बाद जितने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस देना है वो जल्दी से जल्दी किया जाएगा। इंसेंटिव स्कीम्स भी रखा गया है जिसमें कि जो न्यू चैंपियन सेक्टर्स निकल कर आएंगे उनको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि सोलर, यहाँ पे आपका PV मैन्युफैक्चरिंग है, एडवांस सेल बैटरी स्टोरेज है, तो इस सबको अलग से प्रमोट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड की जाएगी। इस स्कीम के थ्रू क्या होगा कि ये इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा स्टेट में, और इंडस्ट्रियल जो क्लस्टर है, अपग्रेडेशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको यहाँ पे उसको अच्छे तरीके से इफेक्ट में लाने के लिए ये किया जा रहा है। अगर हम लोग देखें तो जो इंडस्ट्रियल लैंड और जो लैंड बैंक है उसकी एबिलिटी को बढ़ाया जाएगा जिसके थ्रू न्यू इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, ठीक है। अगर हम लोग रिपोर्ट देखें जो भी COVID-19 से रिलेटेड है, तो इसमें आप लोग देखिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के द्वारा जो है कुछ रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज़ किया गया जिसका नाम है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल सॉलिडेटरी रिस्पॉन्स टू सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ COVID-19। तो ये इमीडिएट हेल्थ रिस्पॉन्स के लिए है जिसके थ्रू बहुत सारे जो सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन है क्राइसिस का उसको यहाँ पर टैकल किया जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये रिपोर्ट आपका पब्लिश किया गया, तो प्लीज़ नोट डैट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा इसको जो है आपका रिलीज़ किया गया है। इसके द्वारा अगर हम लोग देखें तो इसमें एक नया मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड को यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है। तो समझने का कोशिश कीजिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से निकल कर आएगा कि मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड होता क्या है। तो ये एक फंड है जिसको कि यहाँ पे WHO के साथ कॉम्प्लीमेंट किया गया है और ये आपका प्रिपेयरनेस के लिए होगा, रिस्पांस प्लान के लिए होगा, यानी कि COVID-19 से प्रिपेयर करने के लिए होगा, COVID-19 से होने वाले जितने भी क्षति है उसको बेटर रिस्पांस करने के लिए होगा। और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है जो कि यहाँ पे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अपील को कंसोलिडेट करेंगे। इस फंड में 3 एम रखा गया है। पहला एम क्या है, Window 1, Window 2, Window 3। तो Window 1 में क्या है कि गवर्नमेंट और कम्युनिटीज़ को यहाँ पे अनेबल किया जाएगा कि जो भी तरीके की इमरजेंसी आ रही है उसको वो यहाँ पे टैकल करें। सेकंड विंडो में क्या है कि जो सोशल इम्पैक्ट है उसको यहाँ पे कम करने का कोशिश किया जाएगा और जो इकोनॉमिक रिस्पांस है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, जिससे कि इमीडिएट जो सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स है, जैसे कि आप लोग देखो कि क्या क्या है कि लोगों को कैश ट्रांसफ़र करना है, लोगों को यहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, लोग कोई भी भूख से मरे नहीं, कोई भी लोग ऐसे नहीं हो जिनके पास जो है PDS के थ्रू खाना नहीं मिल रहा है, या फिर इस तरीके से आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कि भोजन नहीं अवेलेबल हुआ है COVID-19 के टाइम में क्योंकि सारे होटल्स रेस्टोरेंट बंद थे, तो वैसे लोगों को यहाँ पे इमीडिएट जो है कैश भी प्रोवाइड किया जाएगा, फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके थ्रू जो है सोशल इम्पैक्ट को कम किया जाएगा और इकोनॉमिक जो रिस्पॉन्स है उसको बढ़ाया जाएगा। Window 3 में क्या है कि रिकवर बेटर होगा, यानी कि सही तरीके से और बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे रिकवर करेंगे। क्राइसिस जितना भी आया है उससे हम लोग को रिकवर करने के लिए यहाँ पे बेटर रिकवर आपका Window 3 रखा गया है। ये जो फंड है ये यहाँ पे आपका मॉनिटर किया जाएगा, इसके फंड के कॉन्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर किया जाएगा, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन होगा सारा एक्टिविटीज़ जो भी यहाँ पे आपका किया जाएगा, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जाएगा वो भी ऑनलाइन। तो काफ़ी ज़्यादा बेटर है ये समझिएगा, मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, यानी कि मल्टी डोनर आपको देखने को मिला। यहाँ पे बहुत सारे डोनर्स हो सकते हैं, वॉलेंट्री डोनर आपको देखने को मिलेगा, तो जो भी यहाँ पे डोनर है, जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे सही तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में भी हम लोग जल्दी से ही सारे टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट अभी आप लोग देख लीजिएगा कि एनवायरनमेंट के लेसन आप लोग को मिलेगी तो इसमें आप लोग इसको इन्जॉय कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले दिनों में आपको टेस्ट भी मिलेगा। वीज़ा नाइस के टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर मेल कीजिए rishika77@gmail.com, जिसमें कि हम लोग वहाँ पर वीज़ा नाइस की टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं, उसकी लेसन भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर फिर भी कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।